तो बेटा मेरा आप लोग से ऐसा हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन को बिल्कुल रेगुलर लगाइए, ठीक है? मैं आपसे हाथ ही जोड़ सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। मेरा नाम खराब नहीं करना, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरा गला रह जाता है चिल्ला के। आप लोग प्लीज आरडी शर्मा कंप्लीट करना है, अपन सबको मिलके करना है, ऐसे नहीं हो पाएगी। आप क्वेश्चन को बराबर लगाइए, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ बस, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता, ठीक है? ये बात ध्यान रखिए, पूरी सर, लगाइए, बराबर मेहनत से सर, लगाइए। हाँ, सर कोई सा मुर्गी हरकतें कर रहा था सर। वो डेली करता है, करने दो। हंसो, जाइए आप। नीचे छोड़ के आते ना यार, नीचे छोड़ के आओ, मम्मी से कहना 1 घंटे की बात है, फिर मैं ले लूंगा। तो मचाई दिया हमने। चलिए, एक्सरसाइज 3.10, ठीक है? क्वेश्चन है थोड़े से, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजा भी आएगा, ठीक है? हाईवे वाले में भी क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। थोड़ा सा आराम से बैठिए, ठीक है? इसलिए कह रहा हूँ, क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा आप लोग को। पॉइंट ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है? पॉइंट ए एंड बी। बेटा क्या आवाज नहीं आ रही? आप लोग का रिप्लाई तो दिया करो। आ रही है सर, आ रही है, आ रही है आ सर की आवाज, आ रही है सर। पीछे के 3.1 से 3.9 तक क्वेश्चन लगाइए, डाउट बताइए, ठीक है? वो मैं संडे को देख लूंगा पूरा, और टेबल बनाइए। ऋषि ने अच्छा याद दिला दिया, वेरी गुड ऋषि, मेरे को रिमाइंड कराने के लिए, ठीक है? ज्यादा जब एक्सरसाइज बढ़ जाती है ना, तो ऐसे ही करना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। अपने अपने आरडी शर्मा खोल लीजिए ये बुक के अंदर, ठीक है? दिमाग। पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट, ओके, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई है आपकी, कि आप ये कहना चाहते हैं हमसे, ठीक है? हम समझ सकते हैं आपकी बात, कि भाई पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इधर से इधर तक का डिस्टेंस जो है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, मान लेते हैं कि वो 70 किलोमीटर, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया। और अ पार्ट और अ हाईवे, ठीक है? अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, भैया यहां से एक कार स्टार्ट होती है, कार बना दे आप, बढ़िया सी बेहतरीन। एक कार होगी भैया यहां से स्टार्ट, ठीक है ना? एक कार यहां से स्टार्ट होती है, भाई ये कौन है जो इतनी भयानक दिल भेज रहा है? वर्षा, इसको नीचे छोड़ के आओ, तुरंत मम्मी के पास छोड़ के आओ, उसको ये परेशान कर देगी, इसको छोड़ के आओ तुरंत, हाल के आओ। कार बेटा क्या कह रहा है, पढ़ के देखिए जरा, यहां पर फ्रॉम अ पॉइंट ए अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट बी साइमल्टेनियसली। भैया एक कार यहां से स्टार्ट होती है, बहुत आराम से समझना। एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझो तुम्हारे पास दुनिया की प्रॉपर्टी आ गई समझ में, ठीक है ना? आगे क्वेश्चन तो उड़ा दोगे, ठीक है? ये दूसरी कार है, ठीक है? एक कार जे, एक कार जे। अब मैंने मुंह सही इसलिए नहीं बनाया कार का कि पता नहीं कौन सी कार कहां से स्टार्ट होने वाली है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, भैया एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ये भी एक डायरेक्शन में जा रही है और ये भी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है? दे मीट इन 7 आवर, 7 घंटे बाद दोनों मिल जाती है। बट आगे पढ़ते हैं, बट इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, ये तो कंडीशन हो गई कि
जब ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है। अब कंडीशन दूसरी है कब पॉइंट ए और बी सर सर हाँ बोलिए सर, ये कोई हरकत कर रहा सर बीच में बोर्ड के साथ। तू जाइए अब नहीं कर पाएगा का फायदा, मैं चाहता नहीं हूँ ये करना, करना पड़ता है, मैं रिमूव कर दूंगा उसको, मैंने कैच पे लगा दिया है, वो रिमूव हो जाएगा अपने आप जो ऐसी हरकत करेगा, तो समझ जाना कौन था, ठीक है, क्लास से अपने आप रिमूव हो जाएगा वो जो उसने अब कराया था। ये सिस्टम किसी के उसमें नहीं होगा, ये मैंने अपने में करा रखा है। अपना वैसे समझ जाएंगे कौन है वो। पांच मिनट में अपने आप रूम होने वाला है तो अपने आप ही पता चल जाएगा अपन को कौन है, टाइम सेट कर दिया है मैंने, पांच मिनट में अपने आप रूम हो जाएगा, जो भी होगा समझ में आ जाएगा, या तो वो अपनी क्लास में अभी बोल दे कि सर हम है, ठीक है, और नहीं बोलेगा तो पांच मिनट में रूम तो होने वाला है तो वैसे समझ में आ जाएगा। हम देखिए बेटा, एक बार तो ये जा रही है सेम डायरेक्शन में और एक बार क्या जा रही है टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब ऐसा और दूसरी कार ऐसी आ रही है, समझ में आ रही बात, यहां तक सबको क्लियर है। दे मीट इन वन आवर, ऐसे आते में वो एक घंटे में मिल जाती है, यहाँ कितने कितने घंटे मिल रही थी सेवन आवर्स में, यहाँ कितने घंटे मिल रही है वन आवर, एक घंटे में मिल जाती है, ठीक है, यहाँ तक कुछ समझ में आ गया। यस सर। चलिए फाइंड द स्पीड ऑफ द टू कार्स, दोनों कार्स की स्पीड बढ़ानी है, बस को नीचे छोड़ के क्यों नहीं आ रहा यार, क्या प्रॉब्लम है। चलिए केस फर्स्ट सॉल्व करते हैं, क्या है केस फर्स्ट, व्हेन द टू कार्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, सपोज सेम डायरेक्शन में करते हैं, व्हेन द टू कार्स मूव इन सेम डायरेक्शन। बेटा मैं कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत धीरे धीरे समझाता हूं, तो प्लीज थोड़ा धीरे धीरे समझिएगा, उसके बाद मैं तेजाई से करने को दे दूंगा आपको, तो आपने आप लगाने लगेंगे, ऐसा मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है। सपोज द टू कार्स मीट एट क्यू पॉइंट, मान लिया कि दोनों कारें क्यू पॉइंट में मीट करती है, ऐसा मान के चले, मान ले सपोज टू कार्स मीट एट अ पॉइंट क्यू, ऐसा मान लेते हैं कि दोनों कारें क्यू पॉइंट में मीट करती हैं, देन तब देखो सार्थक देख लो स्टेटमेंट कितनी लिखी जाती है, ध्यान से देख लो सार्थक, ठीक है सर वही कर रहा था मैं। हाँ सार्थक मैं तुमको सबको सबको बोल रहा हूँ स्टेटमेंट्स देख लो कितनी सी लिखी जाती है, कोशिश करो मैसेज टाइप लिखो, लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, एंड द ऑफ द दा दा करके दादा बन जाता है आदमी लिखते लिखते। इसमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार एक्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अब हमें क्या करना है, हमने जी कह दिया भैया दोनों कारें सेम डायरेक्शन में जा रही है, आपने बोल दिया बेटा एक मिनट, आपने बोल दिया कि दोनों कारें सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है दोनों कारें सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, तो एक पॉइंट आपका ये मान के चलते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट, मान लेते हैं कि दोनों कारें क्यू पॉइंट में मिल रही है, भैया कोई पॉइंट पे तो मिलेंगी, तो ऐसा भी हम सोच के चल लेते हैं पहले से। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, भैया कोई एक्स कार है, ये वाली कार है, ये कोई तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कोई तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, सही बात है कि नहीं, भैया मैं गाड़ी चला रहा हूं चाहे मैं साइकिल चलाऊं कुछ तो डिस्टेंस कवर करूंगा, ऐसा तो नहीं है कि मैं डिस्टेंस ही कवर नहीं करूंगा। यस सर। वो मान लिया मैंने एक क्यू है,
भैया थोड़ा सा बात पे ध्यान देना, गौर करना मैं जो बोल रहा हूं। कोई पॉइंट क्यू मान लिया जिधर पे दोनों कारें मीट कर रही हैं, लेकिन ये कार जो है वो एक्स डिस्टेंस कवर करती है, डिस्टेंस टेल बाय द कार एक्स, जो एक्स है, जो कार एक्स है वो डिस्टेंस जो कवर करती है वो ए क्यू है, और जो कार बाई है, बाई बाई कार, ये बाई कार है भैया, ठीक है, बाई कार मान लेते, ये पॉइंट मैंने यहां रख दिया, कुछ आगे कर कहीं रखना चाहिए था मेरे को, मैंने गलत रख दिया, आप लोग समझ जाना, ठीक है, मैंने पॉइंट यहां पर मैंने हटा ही देता हूं, नहीं तो आप लोग कुछ गलत मान लेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार x इज इक्वल टू ए क्यू हो गया, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार y सर। हाँ बेटा आप बोलो, क्या बोलना चाहते हो? सर मैं ये कह रहा था, मैं पॉलिनोमियल्स के स्टेटमेंट से प्रॉब्लम है, सर पॉलिनोमियल चैप्टर में स्टेटमेंट, बाकी किसी में नहीं है। ठीक है ठीक, कार y इज इक्वल टू dq, बेटा ये पॉइंट कोई यहाँ कहीं रहा होगा, ठीक है, ये पॉइंट कुछ यहाँ कहीं रहा होगा, ऐसा है क्योंकि हमें क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि कार स्टार्ट्स अ पॉइंट पॉइंट ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट बी साइमल्टेनियसली, तो भैया एक कार यहां से स्टार्ट होती है, एक कार यहां से स्टार्ट होती है, तो इन दोनों को मिलने का समय जो होगा, मतलब ये दोनों मिलेंगी, कोई क्यू पॉइंट यहां होगा कुछ, यहां मान लेते हैं वो क्यू पॉइंट, ठीक है, कि आगे जाके मिलेंगी। यहां तक समझ में आ गया है सबको तो मेरे को प्लीज बता दो, तो फिर मैं भैया अपनी गाड़ी लेके आ गया सर, सबको आ गया तो समझ में, यस सर, आगे चले, यस सर, क्योंकि सर ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था। इट इज गिवन दैट द टू कार्स मीट इन 7 आवर्स, हमको दिया हुआ है कि 7 घंटे में दोनों गाड़ियां मिलती हैं, ठीक है, लिखा हुआ है ना, बताइए भैया बोलिए, यस सर, लिखा हुआ है, यस सर, सो गए वो तो सब, मैगी खा रहा है, क्या खा रहा है, तुम लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं क्या, बोर्ड पे देख रहा है सर। अब जरा मेरे को एक चीज बताओ, जब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार एक्स, एक्स जो कार थी उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, वो ए क्यू है, ठीक है, बात समझ में आई, समझ में आई बात, यस सर, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अगर ए क्यू है तो स्पीड क्या है, ए क्यू इंटू टी, सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर, सर डिस्टेंस ए क्यू तो सर स्पीड इनटू वो इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है ना सर, हां टाइम क्या है सर उसमें सर 7 होगा जी, यस सर, बात समझ में आ रही है, तो क्या टाइम तो 7 हो गया तुमने 7 आवर्स, लेकिन कार कौन सी वाली है, एक्स वाली, क्या करूं मैं स्पीड की जगह एक्स रख दूं, जी सर रख सकता हूं, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि सर कार जो ए है वो कार एक्स है, वो एक्स स्पीड से ही चल रही है, बिल्कुल सही सोचा है, थोड़ा सा मैं एक चीज लिखना भूल गया, कार एक्स को थोड़ा सा बेटा क्वेश्चन बड़े होते ना दिक्कत होती है, जे कार एक्स मतलब कार एक्स मान लो जे है, ठीक है, और स्मॉल एक्स इसकी किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, ठीक है, ऐसी जो मान लो कार वाई है और इसकी स्पीड जो है वाई किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं लिखना भूल गया ऊपर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 × x, अब समझ में आया बात, यहां तक क्लियर है सबको, आगे चले, ऋषि तुम्हारी आवाज नहीं आती बेटा, मैं तो ज्यादा सोचता हूँ कि तुम्हें समझ में नहीं आया, ऋषि
हाँ सर अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर, अभी उतने अच्छे से नहीं आ रही है। पूछो पूछो क्या समझ में नहीं आया। वो मुझको ही समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या समझ में नहीं आया इसलिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है इसलिए अभी अभी जो आप कह रहे हैं वो सब तो समझ में आ रहा है, लेकिन खुद को नहीं पता क्या समझ में नहीं आ रहा है इसलिए। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू दूसरे वाला केस पकड़ते हैं, इसी का स्पीड इनटू टाइम। तो बेटा स्पीड कितनी थी वहां पर, डिस्टेंस कितना था, 7 ही था, क्या हो जाएगा 7 ही घंटे ले रही थी ना, टाइम मिले नहीं थी 7 घंटा बी क्यू। यस सर। और स्पीड कितनी थी वाई। यस सर। यहां तो समझ में तो आ ही गया होगा, मैं इसको यहां पर रफ कर रहा हूं यहां पर, मेरे को दिक्कत है मैं रफ कर रहा हूं। फर्स्ट केस पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए, अगर मैं ए क्यू में से माइनस करूं अगर बी क्यू, तो मेरे पास ए भी आ जाएगा। पूरे ए क्यू में से भैया जे कार तो इतना ही चली होगी और जे कार इतना चली होगी, अगर पूरे ए क्यू में से बी क्यू माइनस कर दूं तो ए भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हाँ हाँ तो करा करो। यस सर। पैसे समझाइए सर। हाँ यस सर। पैसे समझाइए। पैसे समझा दूँ। ये ए क्यू माइनस वाला स्टेटमेंट। अच्छा ये बताओ मेरे को, बहुत टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चन समझाने में, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ना खाती है जान, खाती है प्रॉब्लम्स। देखो बेटा ए जी हो गया पॉइंट, बी जी होगा पॉइंट, ठीक है होगा पॉइंट दो, ठीक है। यस सर। के बीच का डिस्टेंस 70 किलोमीटर है, ठीक है। 7 घंटा 7 आवर्स काय के दिए हुए 7 आवर्स बताइए, जब वो दोनों एक पॉइंट पे मीट करेंगे। अरे क्यों 7 घंटे किसके दिए हुए 60 तक तुम बताओ सर। 60 घंटे सर जब वो सेम डायरेक्शन में जाएंगी, जब सेम डायरेक्शन में जैसे कि जाएंगी, जब उसके आगे सर वो पहुंच जाएगी, जब के 60 घंटे हैं वो 60 घंटे हैं वो उसके आगे पहुंच जाएगी, मतलब उसके बराबरी पर। 7 घंटे में क्या दोनों मिल रही थी ना। हाँ सर वो तो कहा उसके बराबर पहुंच जाएगी उसके 60 घंटे। मैंने एक पॉइंट क्यू ले लिया कि माना कि इस पॉइंट पे दोनों कारें मिल गई हैं। ये क्वेश्चन वो बच्चे को जल्दी समझ में आएगा जिस क्वेश्चन इसने लगाया होगा इसने पहले से। ये तो क्वेश्चन तुम रट के जाओगे जो वाला, मुझे पता है। सर आपने सर एनसीईआरटी से बहुत मेहनत से समझाया था इस वाले क्वेश्चन को, बस सेम टू सेम था सर, बस वैल्यूज कोई डिफरेंट। जरा मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं पागल हो गया समझा के इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, एक आगे समझ में 10 कर लोगे, मेरे को पता है ये क्वेश्चन ऐसे है। बेटा मेरी बात जरा ध्यान सुनना, सिर्फ क्वेश्चन छोड़ दो, कुछ नहीं है तुम्हारे पास छोड़ दो क्वेश्चन, ठीक है। मत देखो बुक, मत देखो, छोड़ दो बुक को, फेंक दो साइड। मेरी बात जरा ध्यान सुनना सब। बेटा मेरे पास एक कार है ये वाली, जिसका नाम मैंने एक्स कैपिटल एक्स से नामकरण किया है, और जो कार को मैंने कैपिटल एक्स से नाम दिया है वो ये कार है। ये बात समझ में आ गई है, ये बात समझ में आई। यस सर। यस सर। सब बराबर से बोलेंगे जितने बच्चे हैं। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। इकट्ठी आवाज आए सबकी, ठीक है। आज के बाद एक्स से जिस नाम दिया है जिस कार को, वो मैंने एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलाती है, चलती है ऐसा मैंने मान लिया है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस सर। यस सर। भैया मैंने कुछ नहीं करा, एक बीएमडब्ल्यू खरीदी, एक्स नाम दे दिया और मैंने बोल दिया कि वो एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, ठीक है। वाई वाले को जो एक गाड़ी खरीदी वाई, मैंने उसको कैपिटल वाई से डिनोट किया और मैंने बोल दिया कि वो वाई किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, और वाई क्या है उसका मैंने नाम दिया है कैपिटल वाई से, और स्मॉल वाई से क्या किया ये बोल दिया कि वो ये रफ्तार से चलती है, स्पीड बोल दी मैंने। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। यस सर।
इस कार की स्पीड मेरे को x किलोमीटर प्रति घंटा दे दी और दूसरी कार की स्पीड मैंने मैंने दे दी उसको 22 किलोमीटर प्रति घंटा और मैंने ये बोल दिया है कि दोनों कार स्टार्ट होती है जिनकी डिस्टेंस दी हुई है 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर की दूरी पर दोनों गाड़ियां खड़ी हुई है और वो स्टार्ट होती है चलती है लेकिन दोनों की डिस्टेंस 70 किलोमीटर है और दोनों चलती है एक ही डायरेक्शन में मरती है दोनों ठीक है एक ही डायरेक्शन में मर रहेंगे दोनों लेकिन 7 घंटे बाद दोनों का भरत मिलाप हो जाता है और दोनों क्यू पॉइंट में आके मिल जाती है इतना मैंने आपसे बोला है इसका करने के लिए मैंने ये माना कि व्हेन द टू कार्स मूव इन द सेम डायरेक्शन जैसा कि मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों का डायरेक्शन हाँ चतुर्वेदी साहब क्या कह रहे हैं बोलिए सर मैं यही कह रहा हूँ आपने जैसा बोला है सेम डायरेक्शन में 7 घंटे बाद मिलती है सर तो ये क्यू पॉइंट जरूरी हो सकता है ना सर कि ए और बी लाइन के अंदर ही मिल सकती है वो तो 7 घंटे मेरे भाई साहब इन दोनों के अंदर कैसे मिलेंगी तुमको दौड़ाया जा रहा है जैसे यहाँ से और तुम्हारे दोस्त को दौड़ाया जा रहा है तुमसे आगे बी पॉइंट से और दोनों दौड़ना है सेम डायरेक्शन में तो कोई आगे जाके मिलोगे आगे सॉरी सर आगे पीछे गाड़ी घुमाओगे कह रही भैया पीछे आगे मिलेंगे अपने दोस्त नहीं सर नहीं सर ऐसा कुछ तो नहीं करोगे ना नो सर नो सर ठीक है तो भैया मैंने माना व्हेन द टू कार्स मूव इन द सेम डायरेक्शन सपोज द टू कार्स मीट एट अ पॉइंट क्यू मान लेता हूं कोई तो पॉइंट होगा जहां हम दोनों मिल लेंगे है ना बस शर्त इतनी होगी कि इसको थोड़ा तेजी से भगाना पड़ेगा मेरे को ठीक है वो मैं देख लूंगा वो मेरे को पता नहीं है कि स्पीड से भगा रहा हूँ भैया मेरा मुंह दर्द करने लगा मुझे ये पता नहीं है कि मैं कितनी स्पीड से भगा रहा हूँ दोनों को ठीक है जो कार X है वो A की डिस्टेंस कवर करती है और जो कार Y है वो B की डिस्टेंस कवर करती है ऐसा मैंने मान लिया है ना अब मैंने स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा दिया मैंने कही भैया डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम तो डिस्टेंस भैया हमारा AQ है और टाइम हो गया हमारा क्या क्या हो गया 7 आवर्स और स्पीड कितनी हो गई एक्स हो गई यहां तक बात समझ में सबको आ गई ठीक है दूसरी बार फिर मैंने करा कि दूसरी कार के लिए कि BQ इज इक्वल टू 7 × y हो जाएगा नहीं होगा भैया दादाओं हो जाएगा सर हो जाएगा सर ठीक है अब मेरे को जी बताओ के ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए बी होता कि नहीं होता भैया पूरा ए क्यू वैसे अगर मैं बी क्यू घटा दू बी क्यू पूरे ए क्यू में से बी क्यू घटा दू तो ए बी तो बचेगा यस सर भैया समझ में आ रही है सर आ गई समझ में तो yes, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 7x माइनस का 7y इक्वल 7y इज इक्वल टू 70 आई समझ में x माइनस y इज इक्वल टू 10 लिख सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वेशन फर्स्ट बनने में मेरी जान निकल गई अभी यहाँ पे सर रटेंगे नहीं सर सर रटेंगे नहीं हम लोग इसको रटेंगे नहीं सर रटना नहीं है मैंने इतनी मेहनत लगा दी तुम लोग के लिए यार रटना नहीं अब ठीक है अब देखिए आगे चलते इतना नोट कर लीजिए पहले सेकंड केस को लिखो सेकंड केस पे चल रहा है अपना और सा मेरा फॉर्म देखना पानी से ना भीग जाए ओए नोट कर लीजिए इतनी बात है जो लिखी है मैंने बेटा विद स्टेटमेंट सार्थक बेटा स्टेटमेंट के साथ नोट लिखना ओके सो
अभी तुम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ानी है जल्दी से जल्दी, मेरे को बहुत फास्ट कंप्लीट करना है। 3.10 के सारे क्वेश्चन घर से लगा के लेके आएंगे आप, ठीक है? और जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप मेरे से पूछिए, दिमाग तो लगाइए बेटा एटलीस्ट। तो 3.11 बचेगी फिर, उसको मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कराऊंगा। संडे तक का टाइम है आपके पास, यू हैव टाइम संडे। थ्री पॉइंट वन जीरो से लेकर 3.1 से लेकर आपको 3.11 तक कंप्लीट पूरी लगानी है। संडे को मैं इसके पूरे डाउट लूंगा, मंडे से मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहूंगा इसके बारे में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स के बारे में। संडे को अपन एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी देख लेंगे, कुछ उसमें रह गया होगा तो वो भी डाल देंगे इसी में। संडे के बाद मंडे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हो जाएगी और क्वाड्रेटिक मात्र 3 दिन में कंप्लीट होगी विद एनसीईआरटी एग्जाम्पल और आर डी शर्मा, ठीक है? तो वेडनेसडे को सारे डाउट ले लूंगा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उस टाइम आपको मैं 2 टाइम पढ़ाऊंगा, सुबह भी और शाम भी, ठीक है? अच्छा उन चली गई है क्लास से, चलिए आन लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आपने बोर्ड तो नहीं, क्या हो गया? आपने कह रहा था जो भी कर रहा होगा वो क्लास से बाहर चला जाएगा। सर फोर्थ चैप्टर में तो 13 एक्सरसाइजेस हैं आरडी शर्मा की, क्या फोर्थ में 13 एक्सरसाइजेस हैं क्वाड्रेटिक में? इसमें क्वाड्रेटिक फोर्थ चैप्टर 13 हाँ बेटा, वो 13 जो है ना आप लोग को थोड़ा सा 4 घंटे सोना पड़ेगा डेली, ठीक है? सब लग जाएंगी, बस 4 घंटे सोना पड़ेगा। बहुत ज्यादा सो रहे हो बेटा आप लोग, इतना नहीं सोया जाता 10th में, आप अगस्त स्टार्ट हो गया है, अब तो मैं आप लोगों को 3-3 घंटे सुलाऊंगा रात में, ठीक है? टेंशन मत लेना, मैं हो सकता 4 बजे सुबह फोन भी लगा दूं आपके घर पर, तो ये तैयार रखना फोन अपने पास रखा करो, ठीक है? तुम लोग परेशान नहीं हो रहा, कुछ अलग टाइप की सर से पढ़ रहे हो आप। सर फोन हमारे पास ही रहता लेकिन सर म्यूट रहता पूरा। हाँ तो वो थोड़ा हल्का सा खोल लेना करे साउंड, मैं सुबह सुबह हो सकता 4 बजे फोन लगा दूं आप लोग के घर पे, सबके घरों पर, ठीक है? तो सर आप कितने बजे मतलब सर कब से लगाना स्टार्ट कर रहे हैं? बस बेटा आप सर की स्पीड हो गई है तो समझ में आ गई होगी। अरे सर वो सर लगाएंगे कब आप फोन, मतलब कब से शुरू कर रहे हैं? जब आप काट के पढ़ाएंगे जब से? वो मेरे पापा को नहीं पता, मैं तुम्हें क्या बता दूं, ठीक है? सर एग्जांपल की लगाए इसके हमने आरडी शर्मा के, अभी सब लगाना है आपको। चलिए भैया ये केस सेकंड केस पे आ जाओ। सर आपने कहा था संडे को पैराबोला समझाएंगे और सर वो प्रूविंग लीनियर वो रियल नंबर की, ये है ना मेरा, ये इधर पे दो ब्रेन होते हैं, कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस ब्रेन है ना। तो बेटा मैं मेरे पास अभी है कॉन्शियस सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ है, कॉन्शियस में जो है उसको मैं कंप्लीट करा दूं, सबकॉन्शियस में जो होगा वो मैं कंप्लीट करा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरे दिमाग में सब नोट है, छूटेगा कुछ नहीं, पहले जल्दी जल्दी जो है इनको कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया, हटा रहा हूं मैं। यस सर। तो आपने थोड़ा सा आपका समय चेंज होने वाला है तो आप लोग भी उठना भी स्टार्ट हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। अब टाइम चेंज होता है तो या तो हम मेरे से पढ़ो नहीं, और मेरे से पढ़ रहे हो तो फिर बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूं मैं, फ्लेक्सीबिलिटी देता हूँ, थोड़ी कम देता हूँ तो कभी कभी ज्यादा दे देता हूँ। क्वेश्चन में लग रहा है कि सेम क्वेश्चन है तो आप लोग लगा सकते हो, जल्दी कंप्लीट कराना है मेरे को, इसके आगे सिलेबस बहुत तेज भगाना है तो मुझे कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर इसका हो गया x+x-y का हो गया सर। हाँ सर इसका भाई सॉल्व कर लें, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या चीज? इसका सर एक भाई है सर क्वेश्चन नंबर 16 पे, जरा उसको सॉल्व कर लें।
कर लीजिए, आपको लगता है टाइम कर लीजिए, मैं बच्चों को समझा रहा हूँ, जिसको समझना है वो समझ ले, ठीक है, आप जिसको करना है करिए। चलिए यहां तक आ गए अपन, अब बेटा दूसरा केस लेते हैं, ठीक है, दूसरा केस देखिए यहां पर क्या है। यहां दूसरा केस ये कह रहा है कि एक मिनट थोड़ा सा नीचे हो गया क्वेश्चन, आराम से नीचे हो गया बस। दूसरा केस हमसे ये कह रहा है कि व्हेन टू कार्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन टू कार्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, जब दोनों कारें बेटा एक दूसरे से विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है, तो ये मेरी एक्स कार है, नाम मेरा एक्स था और मैंने डिनोट किया था कैपिटल एक्स से, नाम इसका कैपिटल एक्स से, और एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलती है, और ऐसे ये वाई किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलती है, लेकिन इसका नाम क्या है, वाई है, कैपिटल वाई, ठीक है, यहां तक मैंने आपको बताया था। मान लेता हूं, सपोज करता हूं, ऐसा सपोज कर रहा हूं, सपोज टू कार्स मीट एट पॉइंट पी, देन, ठीक है, माना कि दोनों कार्स, अब देखो ऋषि तुम्हारी बात आ गई यहां पर, जब ये दोनों कारें देखो क्या अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो जे भी इसके सामने चल रही होगी और जे भी इसके सामने चल रही होगी, तो जे कोई यहां कोई पॉइंट होगा वहां में मिलेंगे दोनों आपको, समझ में आ रही, ठीक है, ये बात आपकी आ गई, यस सर, हां यस सर, ये जो था वो के सेकंड का था बेटा, बात ठीक है, अब देखिए, यस सर, हां, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार एक्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ए पी, ठीक है, नहीं हो जाएगा ए पी, ए पॉइंट जे था, पी बी पॉइंट जे था, नहीं हो जाएगा ए पी, और डिस्टेंस के ट्रेवल वाई कार वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीपी, ठीक है, हो जाएगा बीपी, तो हम लिख सकते हैं, अब जे एक का बेटा ऋषि कितने घंटे मिल रही थी, दोनों मिल रही थी एक घंटे में, देखो जरा ध्यान से, के सेकंड में दोनों कारें एक घंटे में मिल रही थी, शिखर क्या हो गया भैया, मेरी आवाज का मिसटेंड ही हो गया, माइक निकल गया था, ठीक है, एक घंटे में मिल रही है, ठीक है, दोनों कारें सेकंड केस, यस सर, तो क्या लिखेंगे हम, इन केस टू कार्स मीट इन वन आवर, इन दिस केस टू कार्स मीट इन वन आवर, जब ये दोनों कारें एक घंटे में मिल रही हैं, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार एक्स इन वन आवर क्या हो जाएगा, बताइए कौन बताएगा, सर बताएं, इसका होगा एपी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार एक्स इन वन आवर, डिस्टेंस ट्रेवल वाई कार कौन सी वाली एक्स इन वन आवर, तो क्या हो जाएगा, एपी इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स इन टू वन, भैया बात सही है कि नहीं है, एक्स इन टू वन ही तो होगा दादा हो, ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार वाई इन वन आवर,
कितना डिस्टेंस कवर करेगी बेटा? BQ is equal to y into 1. Y into 1 सर. ठीक है, हो जाएगा ना? अब बताओ क्लियरली क्या होगा जब AP को BP से ऐड करेंगे तो हमारे पास AB आएगा कि नहीं आएगा? ये बात बताओ मेरे को. आएगा सर, आएगा सर. आएगा AP को BP से ऐड करेंगे तो x plus y is equal to क्या हो गया? कितना डिस्टेंस था? 70. यस सर. इक्वेशन सेकंड आ गई. अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सॉल्व करो, x और y की वैल्यू बताओ. हो गया काम? यस सर, काम तमाम हो गया. यहाँ पर थोड़ा स्टेटमेंट्स पे ध्यान रखना, रटना नहीं है स्टेटमेंट, खुद ही सोचना दिमाग से. क्या सोचोगे? पहला केस है ठीक है, दोनों कारों मान लो भैया वो कह रहा है मिलेंगी तो मान लेंगे, मान लो कि पी पॉइंट में मिल रही होंगी. अब डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी कार एक्स तो भैया कुछ तो करेगी. हाँ, क्या आया बेटा एक्स? सर एक्स आया 40 और वाई आया 30. तो एक्स की स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर और वाई की स्पीड कितनी हो गई? 30 किलोमीटर पर आवर. 30 किलोमीटर पर आवर सही है. बता बच्चा, समझ में आया बच्चा? आ गया सर, पूरा एक घंटा लेगा सर ये क्वेश्चन. इसलिए लिया क्योंकि आगे क्वेश्चन तुम धड़ाधड़ लगाओगे. समझ में? बिल्कुल लगाएंगे सर, बिल्कुल. यस सर, बिल्कुल लगाएंगे. हमारे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी लगेंगे. चलिए, समझ में ढंग से आया होगा. टाइम लग गया उसकी फिक्र मत लो, वो मैं कर लूंगा कवर. अगला वाला क्वेश्चन है, लगा के दिखाइए. लगाइए अगले वाले क्वेश्चन से, स्टार्ट करिए. लग गया सर, लग गया. बताएं ये पता है ऐसा क्यों हो रहा है? ये पता मैथ में ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं समझा रहा हूँ आपका समझने में माइंड डाइवर्ट? या तो आप लोग बैठे सही से नहीं है, या तो आप बोर्ड की तरफ देखते नहीं. क्या है, चेहरा देख लेता था मैं पढ़ाता था जब पहले, तो बच्चे का चेहरा देख लेता था और मुंह से ही ऐसा हो जाता था, ऐसा पढ़ाता था. वेदर द टू कार्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, यस, और बच्चे कहते हैं हाँ सर. तो वो चीज जो है आई कॉन्टेक्ट होना, हेड का मूवमेंट होना, इससे टीचर को बहुत फायदा होता है. अब मैं आपके सिर्फ वॉइस पे डिपेंड हूँ, वॉइस पे. तो आप लोग को लगता होगा सर ऐसा क्यों बोलते हैं कि हमको फीडबैक चाहिए आपसे. तो आपकी वॉइस अगर मेरे कान तक नहीं आई बेटा तो फिर मेरा गले का ताल पूरा बन जाएगा इसका. तो आपको टीचर ढूंढना पड़ेगा मैथ का प्रोड्यूसर. तो प्लीज मेरे को कॉपरेट करिए, मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के समझाता हूँ, मेरे को बहुत एनर्जी लगती है समझाने में. अगर आप लोग धीरे से सुन लें और यस सर करके साउंड दें सबके सब बराबर, इससे मेरे को बहुत फायदा होगा आप लोग की तरफ से. आप लोग की बात समझ नहीं रहे और कम बोले क्लास में, उतना बोले इतना कम भी बोलना है. हाँ, कम भी बोलना है और सर हर बारी बोलना है यस सर यस सर. हाँ, ये आप लोग को जो यस सर वर्ड है ना, यस सर, चाहे तो तुम बोलो यस संजय, ओके संजय समझ में आ गया. आप लोग चाहो तो नाम से बोल सकते, आप लोग को लगे ऐसा ठीक है बोल सकते हो. सर बोलने में शर्म आती हो तो आप संजय में बोल सकते हो. ठीक है, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर, ठीक है ना? लेकिन बेटा आपको ये वर्ड जरूर बोलना है, यस सर. ठीक है, ये बोलते चल रहा है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. जब तक मेरे वर्ड मेरे आप तक का आपका वर्ड मेरे तक नहीं आएगा तब तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा. ठीक है, इतना ध्यान. ओके, लगाइए अगला वाला. लग गया है सर. बोर्ड एंड स्ट्रीम के मैंने बताए थे ना, क्या बताया था मैंने, क्या बोला था? सर लग गया है सर, बताया सर. एक मिनट, डाउन स्ट्रीम का सर आपने करा सेम डायरेक्शन में चलती है तो x प्लस y और अप स्ट्रीम डिफरेंट डायरेक्शन तो x माइनस y. मैंने ये बात बताई थी आप लोग को. हाँ सर, जब मैंने बताया था मैंने अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का किस पर से देख लो. फिर से समझ लीजिए बात. ये देखिए आपका पानी बह रहा है, ठीक है, इस पर मैं एक बोट चला रहा हूं अपनी,
ये ड्राइंग अच्छी नहीं है, थोड़ा सा कॉपरेट कर लिया करो, ठीक है। अब मैं यहां से बोर्ड चला रहा हूं, यहां पर मेरी बोर्ड की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया कि मेरी बोर्ड की स्पीड है x किलोमीटर पर आ, ओके। और मैं क्या कहता हूं आप लोग से बताइए, इसकी क्या मान लो y किलोमीटर पर आ इसकी स्पीड हो गई। अगर केस चल रहा है सेम डायरेक्शन का, मतलब आपकी बोट भी इसी साइड चल रही है और आपकी जो धारा है ना नदी की, ये भी इसी साइड है, इस केस में क्या होगा, क्या होगा बताइए, ये केस में क्या होगा? x प्लस y डाउनस्ट्रीम, स्पीड डाउनस्ट्रीम बढ़ेगी, बढ़ेगी, x प्लस y हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये चल रही है आपकी, ठीक है, ये इस साइड बह रही है आपकी धारा, और आप क्या कर क्या रहे हो क्या कर रहे हो, लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हो, बहुत मेहनती हो आप लोग। तो आपकी जो चल रही है ना जी, इस साइड चल रही है, हो गया x किलोमीटर पर आ, ठीक है, और जे क्या है y किलोमीटर पर आ। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, स्पीड x माइनस y अप स्ट्रीम, क्या लिख सकता हूं, x माइनस y किलोमीटर पर आ। बात समझ में आई सबको, यही है। आगे क्वेश्चंस आपको इसी बेसिस पे लगाना है, आशा करते हैं कल आप लोग लगा के आएंगे। यस सर, सर बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। एक बेटा बेटा, थैंक यू सर, बाय। नहीं 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 नहीं, बाय बाय नहीं, बाय बाय नहीं, मत रुक जाइए, मैं थी क्लास में भगना नहीं, लाइव से भग जाओगे आप, ठीक है। आपको 3.1 से 3.10 तक पूरे चैप्टर क्वेश्चंस लगाना है, ऑल क्वेश्चंस। ये बात सर, अभी मेरी 3.2 नहीं लगी है, बस 3.1 लग गई है सर, वो लग जाएगी सर। ये आपकी प्रॉब्लम है, तो कल तक लगा लूंगा। हाँ, ये योर्स प्रॉब्लम, ये आपकी प्रॉब्लम मेरी नहीं है, ये पूरी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है सर, हो जाएगा सर। कल से संडे कितना दूर है अभी, कल फ्राइडे है, परसों सैटरडे है, नेक्स्ट संडे, तो अभी 2 दिन आपके पास, लगा लीजिए, कल 3.11 और मिल जाएगी आपको, बस यहाँ तक ही है सर, 3.11 तक ही है, तो ये पूरी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। ऑप्शनल सर, हाँ ऑप्शनल, ऑप्शंस सर, ऑप्शनल, ऑप्शनल एक्सरसाइज एमसीक्यूज, यस सर, वो मैं क्लास में लगाऊंगा और उसमें मैं 2 टीम बनाऊंगा आपकी, ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर, सब टेस्ट टाइप का हो जाएगा, 2 टीम बनाऊंगा और दोनों टीमों में से बराबर सुन लेना, नाम देख लेना अपने टीम्स के, तो बना के रखूंगा, पहले बच्चे देखूंगा कितने आए हैं, वो हिसाब से टीम बनाऊंगा मैं, तो देखता हूँ कौन जीतता है उसमें, ठीक है। तो वो मैं, ठीक है सर, व्हाट्स द योर सम सर, बाय सर, गुड नाइट, बाय बेटा, थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू सर, बाय सर।